हिंदुस्तान ने एक बार फिर पाकिस्तान पर बड़ा एहसान किया। वाह भाई वाह, पाकिस्तान ने नारा लगाया जय हिंद का, इंडियन नेवी जिंदाबाद। जरा सुनिए, इंडियन नेवी ने मुझे आजाद कर दिया, सोमालियों को निकाल दिया है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इंडियन नेवी ने 23 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है फ्रॉम सोमाली पायरेट। बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अभी मैं आजाद हूँ, इंडियन नेवी का शुक्रिया। सुनते जाइए, इंडिया जिंदाबाद। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। दोस्तों, भारत की नेवी ने तकरीबन इस साल 42 पाकिस्तानी नेशनल्स को एंटी पायरेसी ऑपरेशंस जो कि अरेबियन सी में हुए हैं उनमें बचाया है। मैं उनको फ्रीडम फाइटर कहूंगी सबके सामने, क्योंकि मेरी अपनी राय है और मैं अपनी राय पे बड़ी कॉन्फिडेंट हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सबको बचाने का काम इंडियन नेवी ने कर रखा है, सबको। इंडियन नेवी ये नहीं पूछता अच्छा तुम पाकिस्तानी हो, भागो यहां से, नहीं, सबको बचाया है। इंसानियत की बात कर रही है इंडियन नेवी, वहाँ पे इंडियन नेवी खड़ी है। इंडियन जिंदाबाद, इंडियन जिंदाबाद, इंडियन जिंदाबाद। तू क्यों रो रहा है, तेरी माँ मर गई है। मैं तो यही यही कहूंगा, मैंने तो पहले कहा कि इंडिया नेवी जिंदाबाद। वाह अम्मा वाह, वाह अम्मा वाह, आज तुम बोल रही हो, कल को पूरा पाकिस्तान बोलेगा इंडियन जिंदाबाद, इंडियन जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद। ये तो होगा सर, अगर ये पाकिस्तान 3 दफा और भी हो जाए ना, 3, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो नेवी है, हमारी जो बहरी फौज है, जो इनको चाहिए सियासत को छोड़ के मुल्क की सलामती की कोई इकदाम किए जाए, ना के सियासत की तरफ किए जाए। अरे मैडम, तुम्हारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है और वो कभी सियासत नहीं छोड़ेगी, पाकिस्तान को अपने बूट के नीचे रखेगी, तुम सबको भी। ऐसे कैसे? नहीं यकीन हो रहा ना? नहीं। आप बताइए अपनी आर्मी के बारे में। दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, नाकाबिल शिकस्त है, हर वक्त अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना कर रही है। अब क्या हालात देख रहे हैं कि बार बार इंडिया दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को क्यों बचा रहा है? मरने देना, ये पाकिस्तानी तो वैसे भी अच्छा नहीं बोलते। सारे जो ममालिक है ना, अच्छे जा रहे हैं, हम नहीं अच्छे। हमने अभी तक किन किन लोगों की जाने बचाई है, किसी मुल्क की हमने मदद की है? किसकी कर रहे हैं, हम उनसे मदद ले रहे हैं। हम हर टाइम उनसे मदद ले ही रहे हैं, हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं। ये अम्मा की बातें सुन के मुझे तो ऐसा लगता है पाकिस्तानी हर टाइम, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर लोग, अगर उनसे पूछा जाए कि आप इंडिया के बारे में क्या जानते हैं, सबसे पहले बिना सोचे समझे जवाब, वो जी वो तो हमारा दुश्मन मुल्क है, सिस्टम बार देंगे। अगर इंडिया दुश्मन मुल्क है तो पाकिस्तान की जान क्यों बचा रहा है, मरने देना फिर। ये भी ठीक है। नहीं, ये तो एक माइंडसेट है जो मीडिया के थ्रू हमारे जहनों में ये चीज डाली हुई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, या अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, या ईरान हो गया इधर, लेकिन ये कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है। वो आज दुनिया में कहाँ पे पहुँचे हैं और हम यहाँ पे इसी चीज़ में लगे हैं कि ये दुश्मन है, वो दुश्मन है। हम इस चीज़ को नहीं समझते, ये चीज़ कि इंडिया हमारा दुश्मन है, बस ये तो एस्टेब्लिशमेंट है, या आप कहीं आप मीडिया के थ्रू हमारे जहन में ये चीज़ बिठाई हुई है कि भाई ये दुश्मन है। हाँ। बाकी हम ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करते। मेरे भाई दुश्मन है, इसमें कोई शक नहीं है, हम रियायती हरीफ है, खानदानी दुश्मन है, हम जानी दुश्मन है, चार चार जंगे कर चुके हैं हम लोग। सुनते जाइए, लाखों जाने जा चुकी है 1947 से आज तक। सुनते जाइए, लाखों बहन बेटियों की इज्जतें लूट चुकी है। सुनते जाइए, लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं। तो ये गलत फहमी में तो मत रहिए कि भारत और पाकिस्तान दुश्मन नहीं है। हमारी हिंदुस्तान नेवी का सिर्फ इतना सा काम है, हम इंसानियत को देखते हैं, ना जाति को ना धर्म को देखते हैं। क्लियर हो गया? हाँ भाई हाँ। हम लोगों ने आज तक जब भी किताबों में पढ़ा है और जितनी जंगे हमने इंडिया और पाकिस्तान की 1947 से पढ़ती आए, हमने वो पढ़ी है कश्मीर के पर्सपेक्टिव में और कश्मीर के वे में हमने उसको देखा। लेकिन क्या आप जानती हैं, आप तो डेफिनेटली जानती होंगी, क्या पाकिस्तानी लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने कश्मीर को पेरिस बना दिया हुआ है, उन्होंने अपने कश्मीर को बदल के रख दिया हुआ है। उनका कश्मीर और हमारे कश्मीर में, वो कहते हैं ना, जमीन और आसमान नहीं, जन्नत और दुनिया का फर्क है। जन्नत और दुनिया का फर्क है, जन्नत देखी है? जन्नत देखी है कभी? जबरदस्ती कोई आया है ये बोलने के लिए जन्नत ऐसी है? नहीं। आदमियों के दिमाग में तो जन्नत चलती चलती है, क्योंकि वहाँ बेहतर हूरे मिलती है, 133 फीट की हूरे मिलती है, रोज वर्जिन हो जाती है वो, और शराब की नदियाँ बहती है, दूध की नदियाँ बहती है, शहद की नदियाँ बहती है। एक मौलाना तो ये तक बोल रहा था कि भाई वहाँ पे अल्लाह तुम्हें खुद अपने हाथों से शराब पिलाएगा। तो भाई ये जितने भी
फायदे होते हैं ये आदमी उठाएंगे, औरतों को जन्नत से क्या लेना देना है? मेरे को तो आज तक यही समझ में नहीं आता, इनको तो उन बेहतर हूरों के सरदार ही बनाया जाएगा और इन पाकिस्तानियों को प्रैक्टिकल दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, इसीलिए आज ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो वो कहने का मतलब ये है कि वाकई में हम कहते हैं कि कश्मीर जो है वो दुनिया पर जन्नत है, लेकिन अगर मैं ऑन ग्राउंड अब की बात करूं, इंडिया बना जो इंडिया वाला कश्मीर है उसने वाकई में कश्मीर को जन्नत बना दिया हुआ है। चलो थोड़ा कुछ कर लो लाइफ में। आवाम को ये बताया कि इंडिया से जंगे करनी है, इंडिया से कश्मीर लेना और इंडिया से बदला लेना, आपको लगता है हम उनका मुकाबला कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर ये पाकिस्तान 3 दफा और भी हो जाए ना 3, ये इंडिया का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर। वो ये बढ़िया था गुरु, ये बढ़िया था, चांद पे घूम रहे तो बिल्कुल सवाल ही नहीं बनता इंडिया का मुकाबला करने का। तो ये चूरन क्यों बेचा जा रहा है भर भर के? ये तो कारोबार किया जा रहा है। मैं बताता हूँ ये चूरन क्यों बेचा जा रहा है, क्योंकि ये है लाहौरी चूरन और लाहौरी चूरन पूरे पाकिस्तान में फेमस है और इस चूरन को चाटने वाले तुम ही लोग हो और चटवाने वाले भी तुम्हारे ही लोग हैं। उनसे ना किसी ने चूरन मंगवाया था, कहते पाकिस्तान से लाहौरी चूरन, लाहौरी चूरन चूरन था, मुझे नहीं होता। अच्छा ये लाहौरी चूरन क्या होता है, ये इतना फेमस क्यों है? लाहौरी बड़े तेज होते हैं, वो किसी को मिनटों में बेवकूफ बना देते हैं, तो इसलिए कहते हैं लाहौरी चूरन से बचो। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान, दिस इज लाहौरी चूरन प्रो मैक्स। पॉलिटिक्स के नाम पे कारोबार है यहाँ पे। इंडिया कहते हैं कि जितनी आप हमसे नफरत करोगे अपना बेड़ा उतना गर्क करोगे, उनकी इस स्टेटमेंट के बारे में क्या कहें? हाँ सही कह रहे हैं, फिर भी मैं ये कहूँ कि जो पाकिस्तानी हुक्मरान है ये इस बात को नहीं देखते, ये अपना ही सोचते हैं, इनको तो सब कुछ बाहर है, यूरोप अमेरिका में बैठे हुए यहाँ सिर्फ आते हैं पैसे कमाने। सही बात है, पाकिस्तान को इन्होंने अपना दुकान समझा हुआ है, कस्टमर जो इनके आवाम है इनको अपना दुकान समझा हुआ है, चाइना का माल बेच, हाँ सब कुछ बर्बाद कर रहा है। अगर इंडिया ये 10 दफा भी कह दे पाकिस्तान, पाकिस्तानी कौम को ये कहा जाएगा कि ये हमारा दुश्मन है, इनसे लड़ो, ये हमें पढ़ाया जाता है पाक स्टडी में जो कि सारा बकवास है, ऐसा उनको भी पता है कम इनको टोपिया करा रहे हैं, लेकिन फिर भी पहले टोपिया कर अब तो पूरी पूरी पगड़ियां पहनाते हैं हमें। पहले टोपी पहना रहे थे, अब पगड़ियां पहना, आप पगड़ियां पहनाने लगे। चेंज कब आएगा, कब हम अपने पड़ोसियों के साथ हाथ मिलाएंगे और दिल से उनके साथ चलने की कोशिश करेंगे ताकि अवाम का भला हो? ये नफरत जो आपने कहा कि मुतालिया पाकिस्तान ने बेड़ा गरक कर रखा है पूरी नेशन का, क्या करें? आप तो यूथ हैं, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपने इंडियन ऑथर्स को भी पढ़ा है, आपने अमेरिकन को भी पढ़ा है, हल क्या है? इंडिया से भी बहुत से लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं। इन पाकिस्तानी का जवाब तो बाद में सुनना, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते एक हिंदुस्तानी का जवाब जरूर देना चाहता हूँ। आपने कहा कि हम भारत के साथ में रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, मतलब तो हिंदुस्तानी तुमसे करना चाहते हैं? जिनसे तुम व्यापार करना चाह रहे हो पहले उनसे तो पूछ लो। हमारे जयशंकर जी ने क्या कहा, 2 टूक तुम्हारी बेइज्जती कर दी, और जिसपे फिजा खलीफा भी भड़की थी, पूरा पाकिस्तानी भड़का था, गालियां दे रहा था। और ये जो भारत से तिजारत के व्यापार के जो भी आपने ख्याली पुलाव पका रहे हो, पका लो। अब बोलो भाई साहब, हल एक ही है, जो हमारे हुक्मरान है या तो उनको बंद करके उनको खत्म करो। अच्छा। ये नई नस्ल को छोड़ो, ये चेंज लाएंगे, ये एक भाईचारा लाएंगे, ये इस मुल्क को आगे बढ़ा सकते जो हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ही नहीं कर सकते। चाहे ये 1000 जुलूस निकले इन्होंने नहीं माना, बस एक ही सिस्टम है, या तो ये मुल्क छोड़ो, अगर नहीं छोड़ना तो फिर इन लोगों को खत्म करो। बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही भाई, मेरे भाई बिल्कुल सही, इन लोगों को खत्म करो, पूरे पाकिस्तान को खत्म करो, नेस्ता नाबूद करो और बिल्कुल ड्राई। तुम सारे जब खत्म हो जाओगे ना तब इस संसार के अंदर थोड़ी सी शांति आएगी। खैर बात करते हैं मुद्दे के अंदर, पाकिस्तानी एक नंबर के नुगरी कौम है, बेवफा कौम है, गद्दार कौम है, इनके डीएनए में गद्दारी भरी हुई है। ये कभी भी भारत को थैंक यू या धन्यवाद नहीं बोलेंगे, ना भारत की नेवी को बोलेंगे, ना भारत की सरकार को बोलेंगे। आपको यकीन ना हो तो अभी तक 42 लोगों को इनके मछुआरे या और जो पाकिस्तानी है, टोटल 42 लोगों को भारतीय नेवी अभी तक बचा चुकी है, लेकिन इनके मुंह से एक शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद तक नहीं निकला, इतने नुगरे लोग। इसलिए मैं इन पाकिस्तानियों पे 1% का भरोसा नहीं करता हूँ। एक नंबर की दोगली कौम है, हमेशा पीठ में चुरा घोपती है। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। okay. आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।